Abhishek Dubey is unhappy about being a laundry boy. Aur agar utna kafi nahi tha, he is now in a tight spot. A situation he can get out of only if he works his magic. So Abhishek, good luck. काम को देने का मेरे को ये कलर लगा है ये क्या है क्या प्रॉब्लम है कलर लग गया क्या किया था यार ये पहले से ऐसा था क्या आपने जाने आपने लेने से पहले नहीं मतलब पहले से था क्या कस्टमर ने जब दिया था आपको देखे थे क्या नहीं नहीं पहले नहीं लगा था पहले नहीं लगा नहीं ये आप जब लेते हो कपड़े तो आप देख के लेते हो कि कहीं कोई ऐसा दाग धब्बा तो नहीं लगा हुआ बड़ा लेते हैं पर अभी ये कैसा हो गया शायद कुछ केमिकल वेमिकल लग गया होगा इसके ऊपर इसके लिए थोड़ा निकल गया कलर कलर फैट हो गया थोड़ा We realize that it's our mistake and we are at fault. So अब उसको कैसे LA करें हमें because that guy was getting worked up, the laundry owner. And he was like, मुझे शाम तक चाहिए मुझे शाम तक चाहिए मुझे कस्टमर को देना है कस्टमर को देना है शाम को आप करके दो मेरे को शाम को तो देखते हैं आप आपको आपको शाम को ही देने का है क्या ग्राहक को उसको उसको कल सुबह तक नहीं दे सकते हम कोशिश कर रहे हैं अभी करने का नहीं नहीं मुझे शाम तक चाहिए देखो बस बारिश भी हो रही है पता सूख भी नहीं पाया नहीं मुझे अर्जेंट देने का है शाम तक मुझे चाहिए एक बार कस्टमर से बात तो कर ली बात करके देख लो कहना कुछ प्रॉब्लम हो गया है कल देता हूँ ऐसा कुछ बोल दो तो फिर लॉन्ड्री से थोड़ा लेट हो गया उसको जाने का है शाम तक बोला चाहिए क्या करें आप शाम तक हो पाएगा कुछ नहीं हो पाएगा यार देखो बस देख लो ना जरा बोल दो अगर मानता रहेगा तो ठीक है I was getting a little tensed and पहली बार कुछ deliver करने आया उसमें ये लोचा हो गया तो उसको कैसे handle किया जाए तो मैंने उसको बोला let भाई यार try करने दो हम कोशिश कर रहे हैं आज शाम तक देने की but अगर नहीं होता तो कल सुबह पक्के में दे ही देंगे कोशिश पूरी करेंगे शाम तक देने की कोशिश अगर नहीं दे पाते हैं तो आके आपको बता के जाएंगे कि अभी नहीं तो कल सुबह दे के जाएंगे लेकिन सुबह पक्के से दे के जाएंगे वो गारंटी है बस ठीक है देखता हूँ ठीक है इसको हम सबसे पहले लेके जाते हैं और इसको अभी लेके करने के लिए देते हैं ठीक है बाकी आप कपड़े और पूरे भी देख लो ठीक है बराबर बराबर है ना ठीक है एक ही कपड़े का अभी शाम को कोशिश करते हैं अगर नहीं होता है तो फिर कल सुबह पक्का देके जाएंगे ठीक है वो नए कपड़े ले लो कितना कपड़ा है अभी ये 15 कपड़े ठीक है बस शुक्रिया ला मुझे दे दो हेलमेट पकड़ लो अब ये पहले कपड़ा देने का है या और कहीं से भी नहीं अभी सीधा अपने को इसको रखने के लिए धोबी घाट जाना पड़ेगा ना तो इसको रख के फिर दूसरी जगह जाएंगे ठीक है ठीक है नॉट अ ग्रेट स्टार्ट बट अभिषेक मैनेजेस टू कन्विंस द लॉन्ड्री गाय एंड हेड्स बैक टू धोबी घाट एक काम करते हैं इसको खोल के वो टी शर्ट पहले गणेश को दिखा देते हैं क्या प्रॉब्लम आया है और कोशिश करते हैं कि शाम तक ही हो जाए यार देख एक हम लोग है ना 16 कपड़े लेके गए थे उसमें से एक कपड़े में ये कुछ दाग लग गया है गणेश ने बड़े ही कैजुअली उसको देखा एंड ही डिडंट इवन फ्रॉन ही डिडंट इवन लुक वरिड तो आई वाज सरप्राइज कि यार तुमने एक कस्टमर का टी शर्ट खराब कर दिया है हाउ कैन यू बी सो कूल अबाउट इट ये दाग नहीं है इसका कलर फेड हो गया कलर फेड हो गया कैसे हुआ ये वो कुछ केमिकल्स गिर गया रहेगा तो आप इसको अलग से नहीं धोते क्या केमिकल वाले कपड़ों के साथ ही धोया है नहीं नहीं केमिकल वाले कपड़े के साथ में नहीं धुला हुआ है अच्छा ये अलग ही धुला हुआ है गलती से गिर गया रहेगा इसके ऊपर लेकिन अभी शाम तक मांगा है अब वो बहुत नाराज़ हो रहा था कहता है मेरे को शाम तक ही चाहिए शाम को ग्राहक को देना है तो उसको वैसे तो प्रॉमिस किया है कि शाम को देंगे बट ये भी बोल के आए हैं कि अगर शाम को नहीं हुआ तो कल सुबह पक्का में देंगे इसको आप कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वाली अभी इसको तो कुछ इसका सोल्यूशन नहीं है ऐसा प्रॉब्लम पहले कभी हुआ है या पहली बार ही होते रहता है ऐसा कुछ होते रहता है तो फिर वो कस्टमर नाराज भी होगा कस्टमर जो पैसा बोलेगा हाँ टी शर्ट का उसको देना पड़ेगा बट यार पैसा दोगे तो भी नाराज़ तो हो ही जाएगा वो अभी क्या करेंगे तो अपना धंधा करना पड़ेगा आई वॉज होल्डिंग द टी शर्ट एंड लाइक यार पहला तो असाइनमेंट का पहला पार्ट था ये और उसी में ही ये गड़बड़ हो गई सो आई वॉज नॉट क्वाइट हैप्पी अबाउट इट ऑल्दो नोबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम मी looked worried over the episode. चलो ठीक है फिर आपको क्या कर सकते हैं उसको शाम को जाके बोलना पड़ेगा हाँ उस सवेरे के भरोसे पे रखना भी नहीं उसको कल सवेरे के भरोसे पे नहीं रखते हैं फिर शाम को ही जाके बोलते हैं ये टी शर्ट तो फिर भी दे देना उसको साथ में पैसा भी दे देना वो यूज़ करेगा करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा रखूँ इस
उसने बिना कोई खेद व्यक्त किए और इतनी आसानी से उस बात को टाल दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं. एंड दिस इज नॉट हाउ वी वर्क इन बिजनेस. आई मीन इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद द क्लाइंट इट्स ट्रीटेड वेरी वेरी सीरियसली एंड अ लॉट ऑफ रेट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन गोज इन टू इट. सो आई फाउंड इट अ लिटिल स्ट्रेंज बट मे बी दैट्स हाउ दे वर्क इन धोबी घाट. From faded t-shirts to torn jeans, nothing can make this place stop. The show goes on. Pani laga le, khol de, wo wala. Laga le. Arey yaar Ganesh, ab agla kahan jana hai? Abhi do teen jagah hai jane ke liye. Acha, kahan par hai? Ek Dadar mein hai aur ek Kemp's Corner hai. To pehle Kemp's Corner nazdeek mein wahan ke aao. To abhi mera aadmi hai na hai nahi jagah pe. Usko aane ko ek डेढ़ ghanta lagega. To main aapko address deta hu. Theek hai, main ek baar jaake aaya hu to mere ko samajh mein aa gaya kaise hota hai. Hai na? Ek डेढ़ ghanta wait nahi karte. Main chala jata hu. Mere ko address. Theek hai, main aapko address deta hu. Aap chalo. Main type kar leta hu address. Once again, the Nokia E72 comes handy. Abhishek has to go collect clothes, but this time alone. मैं बता दूंगा कि मैं गणेश कृपा से आया हूँ. हाँ. तो पहचान जाएगा ना. ठीक है, चलो मैं चलता हूँ. कहाँ पे कपड़े कहाँ पर है? काफी भारी है. कितने कपड़े हैं इसमें? इसमें है 20 22 कपड़े. 22 कपड़े हैं. पूरा वॉशिंग का था ना? हाँ, वहाँ से डर्टी आपको लेके आना. लेके आना. इस बार का बंडल जो था थोड़ा सा बड़ा था, तो अकेले कैसे लेके जाऊंगा उतना बड़ा बंडल? बिकॉज लास्ट टाइम धोनी वॉज कैरिंग इट. But then there was no other option. I had to do it. So I'm on my next task. I have to go this time to Kemp's Corner and all by myself. Because jo aane wala tha mere saath jaane ke liye, that guy hasn't showed up on time. And we can't wait for him because the customer will be angry. So I decided ek experience ho gaya hai. Let me go for another one all by myself. Looking like, you know, a joker, frankly speaking, with that huge bundle on my bike and that weird looking helmet on my head. थोड़ा सा awkward लग रहा है. मैंने इस तरह से कभी कपड़े रख के बाइक नहीं चलाई है. I think I'll drive slowly so that I reach on time but at the same time safely as well. आई होप पिछली बार की तरह इस बंडल में कोई प्रॉब्लम ना निकले. पिछली बार तो मेरे साथ धोनी था ये प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए. दिस टाइम आई हैव टू हैंडल इट ऑल बाय माई सेल्फ. तो होपफुली ये वाला बंडल प्रॉब्लम फ्री होगा. मैं फाइनली पहुंचा उस सैलून पे जहां पर आई हैड टू डिलीवर. हमारा पहला डेस्टिनेशन तो आ गया है एंड सेफली पहुंच गए यहाँ पर. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई थिंक आई शुड गो अहेड एंड डिलीवर देयर क्लोथ्स. हाय, आई हैव कम फ्रॉम गणेश कृपा क्लीनर्स. तो ये डिलीवरी देने के लिए आया हूँ. लेट मी जस्ट ओपन दिस बंडल. इस बार बंडल ओपन करते समय थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं पिछले बार जैसा कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए. मन ही मन में आई वॉज प्रेइंग इन माई हार्ट. ये काउंट करवाना है मुझे. तो एक रेड है छोटा वाला टॉवल, एक येलो है, एक ये ब्राउन कलर का टॉवल है. द गाय हु वॉज टेकिंग द डिलीवरी फ्रॉम मी वो काउंट करता जा रहा था और आई थिंक गॉड रिप्लाइड टू माई प्रेयर. और सारे जितने भी कपड़े थे वो जितने काउंट होना चाहे उतने काउंट में भी थे. प्लस कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, कोई स्टेन कुछ नहीं था. ठीक है, हो गया सर, परफेक्ट है. साइन करूँ कहीं? ओके. ओह, आई एम सो रिलीव्ड. दिस वॉज माई फर्स्ट टास्क अलोन और थैंकफुली सारा काउंट बिल्कुल मैच कर गया है. तो पुराने टास्क का जो बुरा लग रहा था, नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर. सो नाउ आई हैव टू कलेक्ट सम डर्टी क्लोथ्स यहाँ से और वापस जाके धोबी घाट में देने हैं. आई थिंक दिस टाइम आई विल डू वन थिंग कि मैं देख लूँगा कि कहीं कोई मेजर डी कलरिंग या दाग तो नहीं लगा हुआ है, ताकि ये क्लियर हो जाए कि कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमारी तरफ से नहीं हुई है बल्कि इधर से ही हमको मिला है उस तरह का कलर.
Disgusting is the word to describe the entire thing. I mean, I was thinking to myself, yaar, main kya kar raha hoon ye? Kisi ki gandi towels aur aprons utha raha hoon. But theek hai, ab kyunki main wahan par gaya tha pick up karne ke liye, to I had no other option. Main un logon ko bhi nahi bol sakta tha ki aap mujhko pack karke do. I mean, that would have been a very unreasonable demand. I can't believe I'm actually doing this. All these are dirty, wet towels of God knows so many people. And I have to actually touch that. Our cleanliness freak is actually freaking out. Abhishek seems very upset about having to handle other people's dirty laundry. One warning, Abhishek. This is just the beginning. This is actually quite funny. All in a day's work for someone is a messy situation for another. Abhishek finds nothing beautiful about the beauty salon. Would you call this ironic? We just call it the assignment. Abhi wo side, abhi wo side. Haan. Ye apke aage aage hai. Haan, udhar pakdo, udhar sa. Haan, ye side. Haan. Thoda pani kam lo. Haan, bas, bas. Which Dhobi Ghat is Abhishek assigned to? A. Mahalaxmi, B. Lower Parel. SMS your answer to 59995 or log on to www.utvmoney.com/theassignment. Jo bhi season ke end tak sabse zyada correct answers bhejega, use milega ek LCD television.